गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ई लर्निंग क्लास। दिस इज योर साइंस लेक्चर एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 14, दैट इज सन लाइट एंड शैडो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी ऑलवेज हैव द क्वेश्चन इन आवर माइंड, व्हाई कैन we see so many stars at night but only one star during the day? Stars are always in the sky, but the sun, being the brightest of all, hides the other stars during the daytime. Students, as you know, stars jo hai sky mein har waqt rehte hain, but sun ke brightness ke chalte, sun ki light itni powerful hoti hai, उसकी वजह से हमें स्टार्स दिखाई, दिन के टाइम पे स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। इट इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ये सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इट हेल्प्स अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। सनलाइट की वजह से ही हमारे आसपास जो भी चीजें हैं हम उन्हें देख पाते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अस हीट। इससे हमें हीट और एनर्जी मिलती है। वी वर्क एंड प्ले इन द लाइट ऑफ द सन। The heat of the sun dries the wet cloth. धूप की गर्मी की वजह से ही हमारे गीले कपड़े सूखते हैं। It evaporates water in ponds, lakes, rivers and seas. The heat of the sun helps to ripen fruits. जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सनलाइट की वजह से ही पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज के वाटर एवोपरेट करते हैं और नेचुरली हमारे जो फ्रूट्स हैं वो भी सनलाइट की हीट की वजह से ही पकते हैं। लाइट। एट नाइट वी नीड लाइट टू सी ऑब्जेक्ट। वी गेट दिस लाइट फ्रॉम डिफरेंट मैन मेड सोर्सेस लाइक बल्ब, ट्यूब लाइट, कैंडल्स, टॉर्च, डायस। रात नाइट के वक्त पे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, जो हम मैनमेड लाइट से ही देख सकते हैं। कुछ भी अगर देखने हम अगर देख सकते हैं तो मैनमेड लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं। द सन एंड शैडो। द सन एंड शैडो। द सन इज अ काउज ऑफ शैडो। व्हेन द लाइट ऑफ द सन इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द डार्क एरिया बिसाइड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द शैडो। स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज शैडो? जहां से भी कोई भी सोर्स ऑफ लाइट आती है, उस सोर्स ऑफ लाइट के बीच में जब हम ऑब्स्टिकल खड़े कर देते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट खड़े कर देते हैं, तो लाइट क्रॉस करके आगे नहीं जा पाती, तो फिर वो वहां पर एक शैडो क्रिएट होता है। जैसे देखिए, ये सनलाइट है, यहाँ एक गर्ल्स खड़ी हो गई है, तो ये फिर गर्ल्स की शैडो क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक शैडो फॉर्म हुआ है। अ शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट। शैडो हमेशा क्या होता है, जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके उसके अपोजिट साइड ही क्रिएट होता है। इधर इसके बैक में नहीं होगा। सनलाइट जिधर होगी, जिस साइड से सनलाइट होंगे, जिस साइड से सनलाइट होगी उसके अपोजिट शैडो क्रिएट होते हैं। आवर शैडो इज रफली द सेम शेप ऑफ आवर बॉडी। देखिए यहाँ पे जैसे गर्ल्स का पोस्टर है, जैसे इसकी बॉडी है, वैसे ही शैडो क्रिएट हुए हैं। बिकॉज आवर बॉडी इज ब्लॉकिंग द सनलाइट, व्हेन वी मूव आवर शैडो मूव्स विद अस। अगर हम चलते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे शैडो भी चलते हैं। ऐसा आप लोगों ने प्रैक्टिकली हमेशा देखा होगा। लेट अस डू एन एक्टिविटी। गो आउट इन द सन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड ऑब्जर्व योर ऑल शैडोज। मूव इन डिफरेंट वेज एंड सी हाउ योर शैडोज चेंजेस। प्ले गेम्स विथ योर शैडो। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप मूव करते हैं वैसे वैसे आपकी शैडो भी मूव करती है, और दिन में
सुबह शाम दोपहर हमारे शेडोज हमेशा डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज में बनते हैं. द पोजिशन ऑफ द सन डिसाइड द लेंथ ऑफ द शेडो. सन का पोजिशन जो है हमारे शेडो की लेंथ को डिसाइड करता है. एट नून द सन इज ओवरहेड सो देयर इज हार्डली एनी शेडो विजिबल. दोपहर के टाइम पे सूर्य हमारे सीधे सर के ऊपर होता है तो शेडो काफी छोटा बनता है. हमारे जो शेडो वो पूरे शरीर की जो शेडो होती है बिल्कुल पैर के नीचे तक ही आके रह जाती है. इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून और इवनिंग व्हेन द सन इज इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट रेस्पेक्टिवली वी ब्लॉक द सन्स रे एंड योर शेडोज इज लॉन्ग. अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पे शाम के टाइम पे हमारे शेडोज काफी लंबे बनते हैं. इन द मॉर्निंग योर शेडो इज इन द वेस्ट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे सन किधर से राइज होता है? सन राइजेज इन द ईस्ट सो हमारा शेडोज हमेशा कहाँ बनेगा? वेस्ट में बनता है. इन द इवनिंग इवनिंग के टाइम पे सूर्य कहाँ होता है? सन कहाँ होता है? वेस्ट में होता है. सो आवर शेडोज इन द ईस्ट. हमारा शेडोज किधर बनेगा? ईस्ट के साइड में बनता है. नाउ स्टूडेंट्स दिस इज इट फॉर टुडे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.